थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो नई जेल है यानी जतौनी गांव है, जतौनी बाग करके, उसी के पास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक मालगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जो कि कल शाम को हुआ था, और अभी अब धीमे धीमे ये रूट क्लियर करने का काम किया जा रहा है। जो कि रूट के अब ये देखिए छोटी छोटी ये जेसीबी टाइप की मशीनें हैं जो इसकी गिट्टी को खाली कर रही हैं। इसको गिट्टी थी और चला जाने दो यार, अभी तो है। धीमे धीमे ये सफाई का काम चल रहा है, कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे वर्कर्स आए हुए हैं इस समय और इस ट्रैक को जो है साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा ट्रेन है, कई सारी बोगियाँ, लगभग 42 बोगियाँ यहाँ पर पलट चुकी हैं। और ये आपको सामने जो दिखाई दे रही है ये जेल है, इटावा की नवीन जेल जो बनी है, और ये वही रास्ता है और उसी पर ये पूरा जो एक्सीडेंट है मालगाड़ी का वो एक्सीडेंट हुआ। अब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं देख सकते हैं कि पूरा जो कहीं ना कहीं घटनाक्रम है धीमे धीमे साफ करने की कोशिश की जा रही है। हमने कुछ इंजीनियरों से भी बात की थी तो उनका कहना है अभी इसमें साफ होने में लगभग 1 महीना लग सकता है, क्योंकि पिछली बार जब एक्सीडेंट हुआ था तो इससे यानी 15-20 दिन, लगभग 1 महीना उसमें भी लगा था जो जसवंत नगर के पास हुआ था। तो इटावा में ये दूसरा एक्सीडेंट है DFC के ऊपर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके ऊपर दूसरा 1 महीने के अंदर दूसरा एक्सीडेंट। तो अब सर्वेक्षण होंगे कई सारे और पता किया जाएगा कि आखिर क्या कमी है जिसकी वजह से इस एरिए में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। चूँकि ये नया ट्रैक है तो इस वजह से भी कई सारी चीज़ें इसमें उतनी समझ में नहीं आ रही हैं। जान माल की बात की जाए तो कल इसके नीचे 4 बच्चे दब गए थे और उनमें से कुछ निकाल लिए गए था, कुछ को निकाल लिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग दबे रह गए थे और फिर उन्हें निकाल के रेफर किया गया था, घायल हो गए थे कुछ लोग। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को इटावा जिला अस्पताल में रेफर किया गया था और कुछ को सैफई में। अब ये देखिए दुर्घटना, जो दुर्घटना सहायता यान है वो भी आ चुका है यहाँ पर।